नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ए कैड डिज़ाइनिंग में। यह है ऑटो कैड 2D ड्राफ्टिंग एक्सरसाइज नंबर 30। इस वीडियो में हम इस डायग्राम को बनाएंगे। इस डायग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले हर बार की तरह हम डायग्राम को एनालाइज करेंगे और डिसाइड करेंगे इसकी स्टेप्स। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर दो सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, रेडियस 20 और डायर 20 के सेम सेंटर के साथ। और यहाँ से हमें राइट साइड में आना है, 100 जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दे दिया गया है, यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ करेंगे रेडियस 30 का। उसके बाद सेम सेंटर के साथ हमें इनसाइड में हमें हेक्सागन ड्रॉ करना है, जिसकी यहाँ पे एज लेंथ दे दी गई है, जो साइड लेंथ है 20। और उसके बाद जो आउटर सर्कल्स है रेडियस 60 के साथ हम इसे फिलेट करेंगे। प्रीवियस वीडियोज़ में हमने जितने भी हेक्सागन ड्रॉ किए उसका डिस्टेंस हमें फेस टू फेस दिया था, जो हम इनस्क्वायर सर्कल या फिर सर्कमस्क्वायर सर्कल उसे हम डिसाइड करते थे। लेकिन इसमें हमें यहाँ पे साइड का डायमेंशन दिया है जो 20 यूनिट है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हेक्सागन कैसे ड्रॉ करते हैं जबकि हमें यहाँ पे साइड का डायमेंशन दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे लेते हैं सर्कल कमांड सी एंटर, स्पेसिफाई या सेंटर पॉइंट हम कहीं पर भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मेंशन करेंगे डायामीटर 20। सिमिलरली सेम सेंटर के साथ हम सर्कल ड्रॉ करेंगे रेडियस 20 का कुछ इस प्रकार से। फिर एक बार लेते हैं सर्कल कमांड और इस बार हमें रेफरेंस लेना है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के लिए 100 यूनिट का। तो सिंपल कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करेंगे, फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्म के लिए हम ये वाला सेंटर पॉइंट चूज़ करेंगे। और इस सेंटर से हमें राइट साइड में आना है, तो सिंपल हम स्नैप पॉइंट रखेंगे हमारा कर्सल इस सेंटर पॉइंट पे। हमें क्लिक नहीं करना है, सिर्फ इस सेंटर पॉइंट पे हमारा कर्सल रखना है और यहाँ से हमें राइट साइड में ट्रैकिंग लेनी है कुछ इस प्रकार से। हमारा ट्रैकिंग डिस्टेंस हमें शो हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें मेंशन करना है 100 यूनिट। तो ऑटोमेटिकली इस सेंटर के साथ यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट हमारा क्लिक हो चुका है उसका डिस्टेंस रहेगा 100 यूनिट। अब यहाँ पे मेंशन करते हैं रेडियस 30 का कुछ इस प्रकार से। अब हम ड्रॉ करेंगे हेक्सागन जिसकी एज लेंथ हमें दे दी गई है साइड लेंथ 20 यूनिट। तो इसके लिए हम लेते हैं POL फॉर पॉलीगॉन एंटर, नंबर ऑफ साइड 6 रहेंगे, 6 एंटर। और यहाँ पे हमें सेंटर पॉइंट मेंशन करने के लिए आ रहा है या फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है एज का। अगर हम सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करते हैं तो हमें इनस्क्राइब सर्कल या फिर सर्कमस्क्राइब सर्कल हमें चूज़ करना है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में ड्रॉ किए थे हेक्सागन उसी प्रकार से। लेकिन अगर हमें साइड का डिस्टेंस दे दिया गया है या फिर कोई भी पॉलीगॉन हो, या पेंटागॉन, हेक्सागॉन, ऑक्टागॉन हो, कोई भी जो हमें साइड डायमेंशन दे दिया गया है तो उसे हम एज के साथ ही बनाएंगे। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एज, और एज को सिलेक्ट करने के बाद अप्रोक्सीमेटली हम कहीं पे भी इसे ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट चूज़ करेंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट पॉइंट के लिए जैसे हम ड्रॉ करते हैं उसी हिसाब से हम 20 डिस्टेंस यहाँ पे दे देंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारा हेक्सागन जो है ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ से लेते हैं लीनियर डायमेंशंस और यहाँ से हम क्रॉस चेक करेंगे कि इसकी साइड की लेंथ जो है 20 यूनिट यहाँ पे परफेक्ट आ गई है या फिर नहीं। तो इसकी साइड लेंथ जो है यहाँ पे परफेक्ट 20 यूनिट आ गई है, तो सारे साइड्स जो है यहाँ पे 20 यूनिट आ गए होंगे। तो सिंपल इसे हम सिलेक्ट करेंगे और मूव करेंगे इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट से और इसे प्लेस करेंगे ये राइट वाले सर्कल के सेंटर पॉइंट तक, तो ये अपनी जगह पे प्लेस हो जाएगा। अब लेते हैं फिलेट टूल और आउटर सर्कल्स को हमें फिलेट करना है रेडियस 60 के साथ। एफ एंटर, रेडियस मेंशन करेंगे 60 एंटर, और आउटर सर्कल को हम कुछ इस प्रकार से फिलेट दे देंगे। सिमिलरली रिपीटेड कमांड, और हमें बॉटम में भी सेम आर्क वैल्यू यहाँ पे देनी है। अब लेते हैं ट्रिम टूल, डबल एंटर, और अनवांटेड सर्कल की एजेस जो है यहाँ से हम ट्रिम कर लेंगे। अब लेते हैं सेंटर मार्क और देते हैं टाइम दोनों सर्कल के लिए सेंटर मार्क्स, इन्हें हम सिलेक्ट करके यहाँ से इसका कलर चेंज कर देंगे। साथ ही साथ आउटर्स लाइन जो है उसे हम सिलेक्ट करके यहाँ से हम लाइन वेट चेंज कर देंगे 0.30 के लिए। यहाँ पे हमारा लाइन वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है। अब देते थे डायमेंशंस, देते लीनियर डायमेंशन सेंटर टू सेंटर 100 यूनिट, और यहाँ पे
साइड का डायमेंशन जो एज यहाँ पे मेंशन की थी हमने 20 यूनिट। अब लेते हैं डायमेंशन रेडियस 20, रेडियस फिलेट की वैल्यू 60, बॉटम आर्क के लिए भी जो हमने ली थी वो 60, राइट साइड आउटर सर्कल के लिए 30, और लेते हैं डायमेंशन डायामीटर इनर सर्कल के लिए डाया 20। इस डायग्राम में जो हमने हेक्सागन ड्रॉ किया था जिसकी साइड लेंथ हमें मेंशन की थी डायग्राम में 20 यूनिट। अगर आपने इंजीनियरिंग में ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में हेक्सागन अगर ड्रॉ किया है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर जो हम सर्कल्स ड्रॉ करते हैं उसी रेडियस के साथ हमने अगर सेंटर पॉइंट मार्क किए सर्कल के सर्कमफेरेंस पे और उन्हीं पॉइंट्स को हमने अगर जोड़ दिया इस सीक्वेंस में तो जो लाइन बनेगी वो इक्वली रेडियस के साथ ही बनती है। इसका मतलब यहाँ पे साइड डिस्टेंस 20 है तो हेक्सागन की हर एक साइड 20 यूनिट की ही होगी, और अगर हमने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया जो इन 6 पॉइंट के साथ मिलता हो तो उसकी रेडियस भी यहाँ पे 20 यूनिट ही होनी चाहिए। तो चलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं। लेते हैं पॉलीगॉन 2 और यहाँ पे नंबर ऑफ साइड 6 रहेंगे, सेंटर पॉइंट हम मेंशन कर देते हैं, और इस बार हमें इनस्क्राइब सर्कल ड्रॉ करना है और यहाँ से हम रेडियस मेंशन करेंगे 20 यूनिट। क्रॉस चेक अच्छे से करने के लिए हम फिर एक बार सर्कल लेते हैं और इसी सेंटर के साथ हम लेते हैं रेडियस 20 का एक सर्कल। तो यहाँ पे देखिए सिमिलरली जो मैंने कहा था कि हर एक लाइन अगर हम रेडियस के साथ सर्कमफेरेंस पे ज्वाइन कर लेते हैं पॉइंट पे तो सेम रेडियस की वैल्यू इसके साइड की इक्वल ही रहेगी। अगर हम यहाँ से लीनियर डायमेंशन चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कोई भी साइड्स हम अगर चेक करेंगे तो सभी हेक्सागन की साइड्स इक्वली रेडियस ही रहेगी जो हमने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया था। तो जहाँ पे हमें हेक्सागन ड्रॉ करना है साइड के साथ तो डायरेक्टली आप इंस्क्राइब सर्कल के साथ ही आप यहाँ पे हेक्सागन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी डायग्राम जो है कंप्लीट हो चुकी है। मेक श्योर कि हमने सारे डायमेंशंस यहाँ पे कवर कर लिए हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है किसी स्टेप या फिर किसी कमांड को लेके तो बेशक मुझे कमेंट कर सकते हैं, एज सून एज पॉसिबल मैं उनका आंसर ज़रूर दे दूंगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।